हेलो फ्रेंड, मैं ARSSM टेक चैनल से SM एडवाइज़र, और मैं आपको आज बताऊंगा कि फैमिली क्रिएट इवेंट जो कि अभी लॉन्च हुआ है, तो ये कैसे इसमें इवेंट क्रिएट किया जाता है। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसके बाद एक और इवेंट आने वाला है, तो आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वो इवेंट कौन सा होगा, कैसा होगा, वो मैं आपको इसमें कुछ उसके बारे में बता दूंगा। तो चलिए हम इसको क्लिक करके देखते हैं कि इसमें फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो सिंपली आपको बता दूं कि यहाँ पे इंटर करने के लिए आपको टू ऑप्शंस हैं। पहला तो आप सिंपली ऑफिशियल इवेंट में जाके वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। देन मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन में दूसरे इवेंट आएंगे, तो ये नीचे चला जाएगा। ऐसे सिचुएशन में आप अपने फैमिली में डायरेक्ट इंटर करने के बाद यहाँ वन सेकेंड स्क्रॉल करके आपको लास्ट में यहाँ पे इवेंट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। आपको इस इवेंट को क्लिक कर लेना है, ओके। तो इवेंट को क्लिक करने के बाद आपको फ्रंट पे ये फैमिली क्रिएटेड इवेंट का ऑप्शन आ गया है, तो हम इसको क्लिक कर लेंगे। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसके रूल्स शो हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ रूल्स में कि कम से कम 3 लेवल का फैमिली होना चाहिए, और साथ में मैं आपको बता दूँ कि यदि आप के फैमिली में एक इवेंट क्रिएट हो चुका है, यानी कि फर्स्ट इवेंट क्रिएट फ्री रहता है, फ्री चार्जेस इसका, वैसे इसका चार्जेस 100 है, यानी 100 कॉइन है, ठीक है। तो आपको जब भी क्रिएट करना होगा इवेंट, तो आपको 100 कॉइन्स पेड करने होंगे, ठीक है। बट फर्स्ट टाइम फ्री है, तो कैप्टन या को कैप्टन कोई भी क्रिएट कर सकता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे इंटर पे सेलेक्ट कर देना है। और मैं आपको बता दूं, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट क्रिएट कर रहे हो, तो आपको उसके भी बेनिफिट्स हैं, यानी कि कुछ परसेंटेज में आपको कम चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम इंटर कर जाते हैं। देन मैं आपको बता दूं कि जो कैप्टन या को कैप्टन नहीं है, यानी कि उसका कोई फैमिली ओनर नहीं है किसी फैमिली का, तो वो मेम्बर को ये क्रिएट का ऑप्शन नहीं आएगा नीचे, ठीक है। बट वो इस ऑप्शन में इंटर करके इन फैमिली को ज्वाइन कर सकता है, सॉरी इन रूम को ज्वाइन कर सकता है जहाँ पे ये इवेंट चल रहे हैं। ये इवेंट क्रिएट रूम है सारे के सारे, तो आप इसमें ज्वाइन करके इवेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। जो भी ऑल पेपर पर सिलेक्ट किए होंगे, फैमिली लॉक होगा, तो वहाँ पर आप इंटर ही नहीं कर सकते या फिर गिफ्ट नहीं पा सकते, ठीक है। तो हम सिंपली क्रिएट इवेंट में जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो सिंपली आपको फ्रंट पर आपका रूम शो हो गया है, यहाँ पे आपको इंटर नेम कर देना है। तो इंटर नेम में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगिंग स्टार, देन अनाउंसमेंट। आप अपने हिसाब से अनाउंसमेंट बना लीजिएगा। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर देना है, तो टाइम आप अपने हिसाब से टाइम और डेट और मंथ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं सिंपली ऐसे ही कुछ रख देता हूँ, क्योंकि इसे मैं आपको बता दूँ कि डेट और आपका ड्यूरेशन टाइम और गिफ्ट आप एनी टाइम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हु कैन ज्वाइन। तो आप ऑल पीपल भी कर सकते हो, और साथ में फैमिली मेंबर्स को भी रख सकते हो। फैमिली मेंबर्स यदि आप सेलेक्ट कर दोगे, तो बाकी मेंबर्स जो फैमिली के बाहर हैं, ठीक है, वो इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। और यहाँ पे इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन रूल्स, सिलेक्शन रूल्स में है क्या कि जो भी एड प्राइज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दोगे, यानी जो भी प्राइज सेलेक्ट करोगे, स्टार मेकर डायरेक्ट इवेंट ख़त्म होते ही जिसके सॉन्ग पे जितना गिफ्टिंग होगा, यानी जितने स्टार्स की गिफ्टिंग होगी, वो उसी हिसाब से रैंकिंग शो करता है। यानी कि सबसे ज़्यादा स्टार वाला फर्स्ट रैंक, ठीक है, उसी स्टार से काउंट करके जितने भी आपके प्राइजेस होंगे, उस हिसाब से वो प्रोवाइड कर देगा इवेंट ख़त्म होते ही, ठीक है, टाइम ख़त्म होते ही वो प्रोवाइड कर देगा, और ये विनर के बैगेज में जाके शो करेगा, ठीक है गाइज। तो चलिए हम इसके प्राइस कैसे ऐड करते हैं वो देख लेते हैं। तो सिंपली आपको ऐड प्राइस पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे ऊपर आपको ऐड लिखा है, ऐड को क्लिक कर लेना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि किस
पॉइंट से किस पॉइंट तक, यानी कि 1 से 10 या फिर 10 से 15, मतलब कितने पॉइंट तक आप गिफ्ट ये प्राइज़ देना चाहते हो। तो चलिए मैं सिंपली फर्स्ट रैंक को ही बस सेलेक्ट करता हूँ और देन यहाँ पे भी फर्स्ट ही डाल देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो 1 से 5 रैंक वालों को ये प्राइज़ गिफ्ट कर सकते हो। प्राइज़ में आपको प्राइज़ पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको प्राइज़ कोई भी चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको देन कितने प्राइज़ आप प्रोवाइड करना चाहते हो, 10-10 या फिर जो भी। तो सिंपली मैं यहाँ पे 1 पे क्लिक कर लेता हूँ और देन यहाँ पे डन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डन कर लेते हैं, डन करते ही ये ऐड हो गया, ठीक है, फर्स्ट रैंक वाले को। अब नेक्स्ट रैंक के लिए हमें फिर यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही हमको 5 से 10 या फिर जो भी रैंकिंग हमको चलाना है, ठीक है, कितने रैंक वालों को ये प्राइज़ जाने चाहिए, तो हम प्राइज़ यहाँ से फिर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे ही आपका सेलेक्ट होगा, देन मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद ये आपका प्राइस सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे अमाउंट आपका इतना, जैसे ही आप पोस्ट नाउ करेंगे आपके अकाउंट से कट जाएगा। तो आपके अकाउंट में बैलेंस होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे प्राइस को पहले ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि मेरे में तो है नहीं। तो और मैं आपको बता दूँ कि जिसके पास क्वाइंस नहीं हैं, ठीक है, वो भी ये इवेंट क्रिएट करना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे अनटिक कर देना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे अनटिक कर लेते हैं, देन आप एक ऑप्शन हमारा छूट गया है, इवेंट ड्यूरेशन, ठीक है, इवेंट ड्यूरेशन हमको इसको भी क्लिक करना है। तो मैं सिंपली 30 मिनट का ले लेता हूँ, कन्फर्म करता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पर पोस्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो हम फर्स्ट टाइम चार्जेस फ्री है, इसलिए मुझे ये 100 का नहीं लग रहा है। यदि एक बार मैं पोस्ट कर दिया तो नेक्स्ट मुझे जब भी क्रिएट करना होगा तो मुझे यहाँ पे 100 रुपये अपने 100 गोल्ड कॉइन अपने अकाउंट से कट करवाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली फॉर्म भर चुका हूँ, तो यहाँ पे पोस्ट नाउ कर देता हूँ, देन यहाँ पे कन्फर्म कर देता हूँ और आप देख सकते हो कि हमारा इवेंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंजेस मैं बता दूं कि आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे आपको 3 डॉट ऊपर दिख रहा है, ओके, तो इस 3 डॉट को हमें क्लिक कर लेना और यहाँ पे आप देख रहे हो कैंसिल द इवेंट चेंज इवेंट टाइम। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को ये न्यू अपडेट पसंद आया होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो टॉप पे रहेगा उसके लिए एक और इवेंट इसके बाद आने वाला, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, तो वो रहेगा कि टॉप इवेंट क्रिएटर और टॉप इवेंट गिफ्ट प्रोवाइडर, ठीक है, उनको अलग से प्राइज और बैनर पे उनका नाम प्रमोट करने का इवेंट लाया जाए। और फ्रेंड्स, आप लोग के एडवाइस हमें हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो स्क्रीन पे दिख रहा है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, आप हमें डायरेक्ट अपने एडवाइस और नए अपडेट में आप क्या पाना चाहते हैं, कौन सा इवेंट पाना चाहते हैं, किस तरह का गिफ्ट पाना चाहते हैं, वो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए।